खनन चल रहा है और खनन माफिया अनीस खान के आगे अफसर नतमस्तक हैं। बिना रॉयल्टी दिए सैकड़ों मोरंग भरे ट्रक निकाले जा रहे हैं और खनन नियमावली एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नदी के बीच हैवी पोकलैंड मशीनें लगा करके अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया अनीस खान पर कार्रवाई से डरता है प्रशासन और योगेंद्र पप्पू चौहान नंदू गुप्ता को प्रशासन का संरक्षण है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता असद खान से। असद, बिना रॉयल्टी मोरंग भरे ट्रक निकाले जा रहे हैं, किसकी शह पे सब कुछ हो रहा है, जानना चाहेंगे? आलोक, आप बता दें, जैसा कि जिला जालौन में लगातार अवैध खनन का खेल अपने चरम स्थिति पर चल रहा है और देखा जा रहा है कि पथरेटा खंड संख्या 5 है, यहाँ पर हैवी पोकलैंड मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है, जबकि एनजीटी का आदेश है कि हैवी पोकलैंड मशीन का यूज भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद यहाँ पर अनीस, पप्पू चौहान, नंदू गुप्ता, योगेंद्र परनामी ऐसे माफिया लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, पर इन पर कोई भी जिला प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा है। यहाँ पर हैवी पोकलैंड मशीन भी चल रही है, विदाउट रॉयल्टी ट्रक भी निकाले जा रहे हैं, लाखों करोड़ों का पड़े जो यहाँ पर राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। आलोक, बड़ी बात है, जिला प्रशासन आंख बंद करे बैठा हुआ है, SDM है वो भी आंख बंद करे बैठे हुए हैं और कोई भी कार्रवाई अनीस के ऊपर होती नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ी बात है। कि बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर, आप नजर रखिएगा असद। खबर मथुरा से, जहां पर सूटकेस में